ऑल माय डियर फ्रेंड, यू आर वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार, आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लेक्चर्स में देख चुके थे रेखीय आवेश घनत्व के अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल चुके थे। इसको हम इंग्लिश में बोलते थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी विद यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन रॉड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल चुके थे, लेकिन आज हम देखेंगे एक आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। यदि कोई आवेशित अनंत समतल चादर लेते हैं और उस चादर पर हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बोर्ड एग्जाम में एक बार इससे क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ चुका है और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार इस क्वेश्चन का इसका जो फॉर्मूला का डेरिवेशन आता है उस डेरिवेशन का बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसका रिप्रेशन करते रहता है। यानी यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कोई भी बेड में देखा जाए तो अधिकतर क्वेश्चन इससे रहता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछ तो रहता है लेकिन सब्जेक्टिव भी रहता है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले देख लेते हैं एक आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि म्यू एक आवेशित क्या आवेशित अनंत समतल चादर है, अनंत समतल चादर है। म्यू क्या है? एक अनंत समतल चादर है, तो चादर है और पृष्ठीय आवेश घनत्व के रचना करने पर आवेशित अनंत समतल चादर बेलनाकार प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर माना कि म्यू एक आवेशित अनंत समतल चादर है। एक म्यू क्या है? एक आवेशित अनंत समतल चादर है और पृष्ठीय आवेश घनत्व की रचना करने पर आवेशित अनंत समतल चादर कैसा प्राप्त होता है? एक बेलन टाइप का दिखता है पृष्ठीय आवेश घनत्व की रचना करने पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। यह हम इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक में पृष्ठीय आवेश घनत्व देख चुके थे। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये कि बोर्ड एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्वेश्चन आ चुका था ऑब्जेक्टिव में 2019 का क्वेश्चन से। लेकिन यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में एक बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है और ऑब्जेक्टिव में जो इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं ये हमेशा रिपीटेशन करते रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, मान लेते हैं सपोज कोई कंडक्टर ऑफ वायर लेते हैं, तो कंडक्टर ऑफ वायर लेते हैं यानी चालक तार लेते हैं, तो चालक के तार में कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है और उस चालक तार को हम क्यू आवेश दे देते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितना आवेश उपस्थित रहता है उसी को हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर कोई तार को ले लिए, तो मान लेते हैं इस तार को हम प्लस क्यू चार्ज को दे दिए, इसको बोलते हैं चालक तार। क्या बोलते हैं? चालक तार। और इस चालक तार पर कैसा आवेश दे दिए? प्लस क्यू चार्ज दे दिए, तो यहाँ पर आवेश का फैलाव हो जाएगा। और यहाँ पर इस कोई भी चालक तार लेते हैं तो यहाँ पर चालक तार का कुछ ना कुछ मोटाई होता है कि नहीं, तो मान लेते हैं कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है यानी एरिया भी होता है। एरिया को सिर्फ डिनोट करते हैं एस से। तो यहाँ पर एस लंबाई में उपस्थित एस क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश कितना है? क्यू। तो यहाँ पर वन क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा? क्यू बाई एस। और यहाँ पर हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा एस। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? वन। और तिरछा तिरछा गुणा करेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू एस। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वहां पर क्यू के जगह पर क्या पुट करेंगे? म्यू एस। यह डायरेक्ट हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहां तक तो देख चुके, अब देखते हैं फिगर वाइज कैसे प्राप्त होता है आवेशित अनंत समतल चादर, ये कि बेलनाकार प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आवेशित अनंत समतल चादर पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक आवेशित अनंत समतल चादर बनाएंगे। मान लेते हैं सपोर्टेड एक आवेशित अनंत समतल चादर है। क्या है? एक आवेशित अनंत समतल चादर है और एक आवेशित अनंत समतल चादर है, यहाँ पर म्यू है। ये कैसा है? आवेशित है, यानी कुछ ना कुछ इस पर चार्ज है। मान लेते हैं सपोर्टेड कुछ ना कुछ इस पर चार्ज है।
एक कैसा चादर है, एक अनंत समतल चादर है, तो यहाँ पर अनंत लिख लेंगे। कैसा चादर है, एक अनंत समतल चादर है, और इससे इस समतल चादर से कुछ दूरी पर यानी x दूरी पर, यहाँ से लेके मान लेते हैं x दूरी पर बिंदु P रखा हुआ है। इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र के मान निकालना है इस पॉइंट पर, और यहाँ पर भी x दूरी पर मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना दूरी होगा x। अब देखिए यहाँ पर, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होता था, इधर के तरफ होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, मान लेते हैं इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था, और मान लेते हैं सपोज इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर का तरफ था, तो मान लेते हैं ई वन मान लेते थे, इसको ई टू माने, मान लेते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसको भी मान लेते हैं ई ई, और इसको भी मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई, इसको भी मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब देखिए यहाँ पर कैसा प्राप्त होता है बेलन, तो यहाँ पर एक सर्किल टाइप का बना लेंगे, तो आपको क्या दिखने लगेगा, एक बेलन टाइप का दिखने लगेगा कि नहीं, देखिए तो ये क्या दिखने लगा, एक बेलन टाइप का दिखने लगा। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, यानी देखिए अब यहाँ पर कोई भी समांतर मान लेते हैं सपोज दैट ए सरफेस है, कोई हम 3D में देख चुके थे एरिया वेक्टर, 3D में बेलन में निकालते थे एरिया वेक्टर, तो हमेशा एरिया वेक्टर की सतह के लंबवत होता था। अब इस सरफेस पर एरिया वेक्टर निकालेंगे तो हमेशा सतह के क्या होगा, लंबवत होगा, यानी E1 मान लेंगे इसको, यहाँ पर एरिया वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं DS1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब कोई भी समांतर लाइन रहता है तो उसके रिस्पेक्ट में थीटा 1 बराबर एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। और मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर अगर एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर कोई सतह है और एरिया क्या होता है हमेशा सतह के लंबवत होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमेशा सतह के लंबवत, यानी DS3 भी मान सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मान लेते हैं सपोर्ट डेट यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक 3 मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 3, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए प्लेट का क्षेत्रफल DS के बीच एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, यानी थीटा 3 बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। और मान लेते हैं यहाँ पर भी प्लेट का मान लेते हैं सपोर्ट डेट यहाँ पर एरिया वेक्टर निकालेंगे तो एरिया वेक्टर क्या होता है सतह के लंबवत होता है, तो ये सतह हो गया, इसका लंबवत क्या होगा एरिया वेक्टर DS2 मान लेंगे। और कोई भी समांतर लाइन रहता है तो उसके रिस्पेक्ट में एंगल कितना बनता है थीटा 2 बराबर 0 डिग्री। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जितना भी फ्लक्स आ रहा है सब फ्लक्स को हम ऐड कर देते हैं, तो फाई कुल बराबर यहाँ पर फाई वन प्लस फाई टू और प्लस फाई थ्री। अब देखिए यहाँ पर फाई कुल बराबर हम कितना गॉस लॉ में प्रूव किए थे Q/εr, यहाँ पर पुट कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गॉस के नियम से। अब यहाँ पर फाइव कुल बराबर फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, यहाँ पर फाइव कुल बराबर, अब यहाँ पर फाइव कुल बराबर कितना आया था गॉस के नियम से Q/εr। अब देखिए तो यहाँ पर फाइव वन के मान वैल्यू यानी फ्लक्स का वैल्यू क्या पुट करते थे E1, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E1, और यहाँ पर प्लेट का क्षेत्रफल क्या है DS1, और यहाँ पर क्या होता था cos थीटा, एंगल कितना बन रहा है थीटा 1, तो थीटा 1 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर टू पर निकालेंगे फ्लक्स, टू पर निकालेंगे फ्लक्स का वैल्यू, तो फ्लक्स में टू पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो यहाँ पर E2 लिखेंगे, यहाँ पर इसको क्या बोलते थे E2, और यहाँ पर E2 लिखेंगे, क्षेत्रफल क्या है DS2, एंगल कितना बन रहा है cos थीटा 2, उसके बाद क्या है फिर E3 पर निकालेंगे, तो E3 यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड E3, अब प्लेट का क्षेत्रफल क्या है DS3, एंगल कितना हो रहा है cos 90, यहाँ तक तो सीख गए होंगे। अब देखिए Q/εr, तो हम बता चुके हैं μ बराबर क्या होता था Q/S, तो यहाँ पर कुछ नहीं Q/S, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा पीछे पीछे गुणा करेंगे तो μS, ये हम समझ चुके हैं पृष्ठीय और सीमा तो इसी को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्यू को जगह पर डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं μ/μS अब /εr। अब देखिए तो यहाँ पर क्या E1 DS1, यहाँ पर cos थीटा 1 के जगह पर कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट करेंगे, और E2
DS2 cos थीटा 2 पर कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो कितना पुट करेंगे 0 डिग्री। अब प्लस E3 DS3 यहाँ पर cos थीटा पर कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट करेंगे। अब इसका वैल्यू 90 का वैल्यू क्या होता है 0। अब देखिए यहाँ पर म्यू एस बटा एक्सेलन नॉट। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इफ E1 E2 का वैल्यू किसके बराबर, E के बराबर, और DS1 और DS2 बराबर किसके बराबर ले लेंगे, S के बराबर इसका वैल्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर म्यू एस बटा एक्सेलन नॉट बराबर यहाँ पर E के बराबर होगा, तो यहाँ पर E DS cos 0 और प्लस क्या हो जाएगा E DS cos 0। यहाँ तक तो हो जाएगा। यहाँ पर cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो म्यू एस बटा एक्सेलन नॉट बराबर ई डी एस अब गुणे क्या हो जाएगा 1 प्लस ई डी एस अब गुणे क्या, यहाँ पर एस के बराबर होता है, तो यहाँ पर डी एस कॉस, यहाँ पर कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। यहाँ तक तो जान गए। अब देखिए यहाँ पर डी एस, डी एस के वैल्यू किसके बराबर मानते हैं, एस के बराबर मान लेते हैं, तो डी एस के जगह पर क्या पुट कर देंगे एस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे म्यू एस बटा एक्सेलेंट नॉट बराबर बराबर क्या लिखेंगे ई एस प्लस क्या लिख देंगे ई एस, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ई म्यू एस बटा एक्सेलेंट नॉट बराबर यहाँ पर ई एस और ई एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ES। अब एस से एस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एस से एस कैंसिल हो गया, तो म्यू बटा एक्सेलेंट नॉट बराबर 2E हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 1, यहाँ पर क्या मानते हैं 1, यहाँ पर क्या हमको क्या चीज का वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चाहिए यानी विद्युत क्षेत्र का मान चाहिए, तो यहाँ पर E को यहाँ मान लेते हैं सपोर्टेड, E को यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तीछा तीछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू बाई 2 εr कितना गया म्यू बाई 2 εr। ये बोर्ड एग्जाम में दो बार एक दो बार प्रश्न पूछ चुका है ये बराबर कितना फॉर्मूला आ गया म्यू बाई 2 εr। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और फॉर्मूला है इस तरह करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र के मान निकालते हैं। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर कह रहा है, तो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर को सबसे पहले एक बना लेते हैं यानी एक प्लेट को बना लेते हैं, और इस प्लेट के अंदर क्या है एक म्यू आवेशित अनंत समतल चादर है यानी एक आवेशित अनंत समतल चादर। आवेशित मतलब क्या होता है यानी अनंत समतल चादर यानी इस पर आवेश का मान कितना है अनंत है यानी बहुत संख्या में क्या है आवेश है, और इस अनंत समतल चादर के अंदर क्या रख लेते हैं कोई पृष्ठीय आवेश घनत्व को रख लेते हैं यानी म्यू को रख लेते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि इस प्लेट से कुछ दूरी पर यहाँ पर पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या मान लेते हैं एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या मान लेते हैं एक्स। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी x मान लिए और यहाँ से लेके यहाँ तक भी दूरी x मान लिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E, और यहाँ पर आवेशित अनंत समतल चादर के कारण क्या प्राप्त होता है बेलनाकार प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक सर्किल टाइप का बना देंगे और यहाँ पर भी एक सर्किल टाइप का बना देंगे, तो ये आवेशित अनंत समतल चादर के कारण क्या ऐसा प्राप्त दिखने लगेगा, यह एक बेलनाकार टाइप के दिखने लगेगा। मान लेते हैं सफल एक आवेशित अनंत समतल चादर है, तो यहाँ पर बेलन क्या जाएगा अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में घुसेगा। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं सपोर्टेड इस सतह पर एरिया वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा, तो हमेशा सतह क्या होता है लंबवत होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा DS1, और कोई भी समांतर लाइन रहता है तो उसके रिस्पेक्ट में एंगल कितना बनता है थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा 1 बराबर 0 डिग्री। और इस सतह पर एरिया वेक्टर कहेगा, तो एरिया वेक्टर हमेशा सतह के क्या होता है लंबवत होता है, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा DS3। और यहाँ पर कोई भी यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एरिया वेक्टर DS3 के बीच में एंगल कितना बन रहा है थीटा बराबर 90 डिग्री। और देखिए यहाँ पर भी एरिया वेक्टर कहेगा, तो यहाँ पर E2 हो जाएगा, E2 हो जाएगा, और यहाँ पर एरिया वेक्टर कहेगा, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हमेशा सतह के लंबवत होता है, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा DS2, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और कोई भी समांतर लाइन रहता है तो उसके रिस्पेक्ट में एंगल कितना बनता है θ2 बराबर 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या मानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुल फ्लक्स बराबर φ1 + φ2 + φ3,
यानी को टोटल फ्लक्स को इंक्लूड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्यू कुल बराबर गॉस के नियम तो हम प्रूव कर चुके हैं, क्यू बाई एक्स एल नॉट के बराबर होता है। तो ई वन यहाँ पर फर्स्ट प्लेट पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन, यहाँ पर प्लेट के क्षेत्रफल क्या है डी एस वन, एंगल कितना कितना बना है कॉस थीटा वन, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। और सेकंड सपोर्ट पे क्या है ई टू, तो यहाँ पर लिखेंगे ई टू, और डी एस यहाँ पर ई टू है तो ई टू लिखेंगे, और यहाँ पर इसका सतह का क्षेत्रफल क्या है एरिया वेक्टर डी एस टू, तो डी एस टू लिखेंगे, एंगल कितना बना है थीटा टू, तो थीटा टू प्लस, और सतह सरफेस पर क्या है एरिया वेक्टर डी एस टू ई थ्री, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई थ्री, और प्लेट के क्षेत्रफल क्या है डी एस थ्री, एंगल कितना बना है कॉस 90 एंड थीटा थ्री बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या होता है, यहाँ पर पढ़ चुके हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्यू बाई एस, कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या मानते हैं वन, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्यू बराबर क्या हो जाएगा म्यू एस। अब यहाँ पर एक किस क्यू के जगह पर क्या पुट कर लेंगे म्यू एस, अब इस क्यू के जगह पर कितना पुट करेंगे म्यू एस बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ई वन डी एम वन कॉस जीरो, यहाँ पर ई टू डी एस टू कॉस जीरो, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होता है जीरो। अब देखिए यहाँ पर इफ ई वन ई टू बराबर किसके बराबर ई के बराबर, और डी एस वन डी एस टू किसके बराबर एस के बराबर, यहाँ पर म्यू बाई एक्स म्यू एस बटा एप्सिलॉन नॉट ई डी एस डी एस कॉस जीरो प्लस ई डी एस कॉस जीरो। अब देखिए यहाँ पर म्यू एस बटा एप्सिलॉन नॉट और ई एस, यहाँ पर कॉस जीरो का मान क्या होता है वन प्लस, यहाँ पर कॉस जीरो का मान क्या होता है वन। अब देखिए तो यहाँ पर म्यू एस बटा एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर डी एस का वैल्यू किसके बराबर होता है एस के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे डी एस के जगह पर एस यानी ई एस प्लस ई एस। अब देखिए यहाँ पर ई एस और प्लस ई एस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा टू ई एस, तो देखिए यहाँ पर एस से एस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा म्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और टू ई। तो यहाँ से हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान यानी विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो ई को छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू, और यहाँ पर टू में ई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा टू एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है और इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे।